हेलो एवरीवन, टॉपिक टेस्ट के टेस्ट फोर में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सीआईएसआई पे बेस्ड। चलते हैं सीआईएसआई के सवालों की ओर। जो लोग मेरे बारे में या डियर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलो बिना देरी किए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। देखो, आज के जो पेपर है हम लोग का 10 सवाल का, उस 10 सवाल को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि हम लोग का जो 10 सवाल है, इसमें से कुछ एक क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए भी डाला है ताकि तुम्हें ये पता चले कि एग्जामिनेशन में विद इन टाइम लिमिट कौन से क्वेश्चन को पकड़ना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। बेसिकली सीआई एक टाइम में इसलिए ही दिया जाता था ताकि तुम इसमें उलझ के रह जाओ और तुम्हारा नंबर गिर जाए। ठीक है, तो सवालों को समझो, कैसे क्या करना है, क्या बोल रहा है, क्या बेस्ट अप्रोच है और कौन सा सवाल को हमें छोड़ना है, मैं ये भी बताऊँगा। ठीक है, एकाकी सवाल है 10 सवाल में। जब भी सीआईएसआई का चलेगा तो उस टाइप के सवाल को मैं एकाक दूंगा जिससे तुम्हें पता चले कि किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है। ठीक है, देखो पहला सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है। अमित बोरोड अ सर्टेन सम फ्रॉम करण एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई राशि वो उधार लेता है करण से, मान लिया मैंने ₹P उधार लेता है, ठीक है, 2 साल के लिए। ही लेंट दिस सम, यह वही सम पी को जो है किसको दे देता है, शिल्पा को देता है एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन जब देता है तो किस इंटरेस्ट पे देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, फॉर द सेम पीरियड यानी 2 साल के लिए ही। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के अंत में ही रिसीव 2400 एच कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई कितना मिल रहा है उसे, 2400 मिल रहा है। ठीक है, बट पेड 200 ओनली एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन एसआई जो वो पे कर रहा है वो कितना पे कर रहा है, 2000 ही पे कर रहा है 2 सालों में। बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें बताने के लिए। अब ध्यान से देखो, कोई प्रिंसिपल पी है तो 2 सालों में ये जब एसआई देगा तो इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि 1 साल का एसआई हो चाहे 2 साल का एसआई हो या दूसरे साल का एसआई हो चाहे तीसरे साल का एसआई, हर 1 साल का क्या होता है, बराबर। जब 2 साल का एसआई 2000 है तो हर 1 साल का एसआई कितना, 1000 एंड 1000। अब हम लोग जानते हैं सीआई होता है इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि पहले साल का ही इंटरेस्ट जाना है दूसरे साल में, दूसरे साल में इंटरेस्ट भेज दो यहाँ पे, यानी कि तुम्हें यहाँ पे 2400 दिए हुए है, यानी 400 ही, 2000 तो तुम्हारा पहुँच गया, 1000 1000 2000, 400 ही तुम्हारा एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, 400 जाएगा कुछ आर परसेंट लग के। साफ शब्दों में तुम्हें दिख रहा है इस आर की मान कितनी है, 40%, यानी 1000 का जब हम लोग 40% करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ₹400 देगा। सिंपल सा सवाल, एकदम आसानी से कर लो और ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का आंसर है, 40%। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल में हम लोग का बोल रहा है, रमन 2 का लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम लक्ष्मण। रमन 15,000 का लोन लेता है लक्ष्मण से, ठीक है, 15,000 का चलो लोन दे दिए इसे। ही एग्रीड डैट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वुड बी 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, पहले 3 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेगा एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड है फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड, 4th साल से वो कम चार्ज करेगा। ठीक है, राम डिड नॉट पे एनी थिंग अंटिल द एंड ऑफ 5th ईयर, 5th ईयर तक में उसने कुछ नहीं पे किया। हाउ मच वुड ई रिपे इफ ई क्लियर्स द इंटायर अमाउंट ओनली एट द एंड ऑफ 5th ईयर, उसे कितना देना पड़ता अगर वो 5वें साल के अंत में वो खत्म करना चाहता तो। ठीक है, तो देखो 5 साल का कहानी क्या है, 15,000 पे तुमने 15,000 का 3 साल तक तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट चला होगा, यानी कि 15,000 का यह इंटरेस्ट और ये कैपिटल मिला के तुम्हारा जो अमाउंट बन गया वो कितना हो गया, 8 3 24 24 15 होता है 3600, और 15,000 में जब 3600 जोड़ देंगे तो वो हमें देगा 18600। ठीक है, यानी 3 साल में तुम्हें चुकता करने थे इतने, अगर तुम इतना नहीं चुकता करते तो वहाँ से क्या होता, 4th साल और 5वें साल तुम्हारा सीआई लगते चला जाता, यानी सीआई जो लगेगा बेसिकली वो हमारा इसी अमाउंट पे लगेगा, 18600 पे ही। ठीक है, अब देखो तुम्हारा सीआई जो लग रहा है वो 10% का लग रहा है, तो 10% का तुम जब 2 साल के लिए लगाओगे तो सक्सेसिव के अकॉर्डिंग ये तुम्हें क्या देगा, 21%। तुम्हें क्या निकालना है, वह राशि जहां तुम जितना पैसा लिए हो वो और इंटरेस्ट मिला के तुम्हें, यानी कि तुम्हें अमाउंट निकालना है। तो तुम्हें अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट इसे 121/100 कर दो, ठीक है, 0 0 यहां से खत्म हो जाएगा। अब देखो सवाल क्या होता है ना कि सवाल सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसे गुना कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये चीज़ें थोड़ी सी ना डिफिकल्ट हो जाती है। देखो मामूली सा यहाँ पे गुना है जिसे लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, जैसे 186, 121,
कोई क्रॉस इधर से इधर, फिर ये चारों ब्लॉक लेके, फिर ये तीनों ब्लॉक लेके करेंगे, या फिर नॉर्मली जैसे गुना करेंगे। तो वैसे तो थोड़ा समझो कि 186 को 121 को 11 गुना 11 लिख सकते हैं, और 11 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज उतार दो। 86 कितना होता हमारा, 14 का 4 लिख दो, 1 हाथ में, 819 और 1 कैरी था यानी कि 10, एक हाथ में अभी भी है, एक और एक कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो फर्स्ट डिजिट को एज इट इज, 6410 का 0, 1 हाथ में, 404 और 15, ठीक है, 5 हो गया यहाँ पे, 202 और लास्ट डिजिट को एज इट इज उतार दो अगर कुछ कैरी नहीं है तो। क्या आ गया हमारा, 22506, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 22506 रुपये, ठीक है, यानी ये गुना करने के बाद आएगा 22506 रुपये, ठीक है, यानी कि पाँचवें साल के अंत में उसे इतना रुपया देना होगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या होगा, तो नेक्स्ट सवाल को ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, परेश हैज टेकन लोन ऑफ ₹6 लाख फ्रॉम SBI एट द रेट ऑफ 10%, 10% पे लेता है, कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड, ही लेंट इट टू अ लेबरर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि CI का जो इंटरेस्ट रेट ऑफ है वो क्या 10% है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये था जो उधार लिया वो एनुअली उधार लिया, लेकिन जब लगाया तो वो क्या लगाया, हाफ ईयरली लगा रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, आधा हो जाता है। हाउ मच प्रॉफिट परेश अर्न इन 2 ईयर, 2 सालों में प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, तो यहाँ पे हम लोग टाइम जो लेंगे वो 2 लेंगे, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, यानी कि अब मुझे 5% पे 4 टाइम्स वहाँ पे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। देखो जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है 4 टाइम्स लगाने के लिए, ठीक है, कोई भी तरीके से तुम चले जाओ इसमें कैलकुलेशन तुम्हारा आएगा ही आएगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें तुम देखो कि 4 साल जा रहा है, 5 साल CI पे जा रहा है, तो ये सवाल सिर्फ छोड़ दो स्टार्टिंग में, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम में तुम्हारे पास टाइम लिमिट कम होता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम SSC का दे रहे हो तो तुम वहाँ पे कैलकुलेशन करके इसे निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास इनफ टाइम रहता है, ठीक है, कि सवाल को तुम सॉल्व कर सको। लेकिन बैंकिंग के एग्ज़ाम में ये सवाल को सॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि 4 साल के लिए निकालने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा। मैं भी कर रहा हूँ अभी, देख लो तुम भी सामने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, उसने लिया हमारा कितना, 60 लाख, ठीक है, सबसे पहले वो क्या कर रहा है यहाँ पे, कितने परसेंट पे लगा रहा है, 1+ में 5% के हम लोग अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो 5/100 कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए जो कमाया होगा, यानी क्या अमाउंट में डिफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दो तुम, फिर यहाँ से तुम्हारा 60 लाख, ठीक है, एक और 0। अब वहाँ से उसे पे कितना करना था, पे उसे करना था 10% के हिसाब से 2 यूनिट्स के लिए यानी 2 ईयर्स के लिए। इन्हीं दोनों का तुम्हें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अब तुम यहाँ से काटोगे 5 से 20 बार में, 20 और 1 21 हो गए, 21 की पावर 4 निकाल लो, थोड़ा सा दिक्कत है वो निकालने में, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसे निकालने में। तो ये चीज़ समझो कि तुम्हें जब इस तरीके से मिले तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे तुम देखो 6 लाख को कॉमन ले लो, ठीक है, 6 लाख को जब तुम कॉमन लोगे तो ये यहाँ पे तुम्हें देगा 21 की पावर जब 4 करोगे तो ये यहाँ पे देगा 194481 बटे में, नीचे में कर लो 160000 माइनस में। यहाँ से तुम जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें देगा 121/100। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए अभी मैंने 11 का मल्टीपल तुम्हें बताया था, इसे क्या करो, नीचे भी 1600 से गुना कर दो, ऊपर भी 1600 से गुना कर दो, ठीक है। अब इसे गुना कर लो, गुना करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 लाख पे, ठीक है, 6 लाख पे जब इसे तुम घटाओगे तो ये तुम्हें देगा यहाँ से 881/16000, 4 जीरो यहाँ से तुम काट दो, 4 जीरो काट दो, अब इसी को तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये तुम्हें देगा 3303.75 रुपीज़, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 3303.75। देखो यही चीज़ मैंने था कि ये सवाल को कितना भी कुछ करोगे कोई आसान करने का कोई उपाय नहीं है CI में, कोई अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं, क्योंकि सारा नज़दीक में ऑप्शन है 3000, 3300, 3200, इसलिए ये सब सवाल लिटरली हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, एग्जाम में। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, क्या बोल रहा है सवाल में, तान्या डिपॉजिटेड 46,000 इन एक्सिस बैंक फॉर 3 ईयर, 46,000 रुपये 3 साल के लिए एक्सिस बैंक में डालती है। सुगना डिपॉजिटेड 34,500 इन सिटी बैंक फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल के लिए वो डालती है।
इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाई तान्या इज 2070 मोर देन ऑब्टेन्ड बाई सुगना, ठीक है। यानी कि सिंपली तुम्हें क्या बोल रहा है कि तान्या और सुगना का जो इंटरेस्ट का अंतर है वो है तुम्हारा 2070, ठीक है। देन वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाई बोथ बैंक, दोनों ही बैंक के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए थे गए थे उनका तुम्हें क्या डिफरेंस है ये निकालने के लिए। देखो इस सवाल का ना दो ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, पहले सवाल का एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्या बोल रहा है, 46,000 तीन साल के लिए कोई R1 रेट से इन्वेस्ट कर रहा है, इंटरेस्ट क्या हो गया 2100 माइनस में तान्या का हो गया। सुगना क्या कर रही है, 3450 चार साल के लिए कोई R2 रेट से बटे में क्या 100, और इन्हीं दोनों का अंतर 2070 है, ठीक है। यहाँ से 0000 काट दोगे, यहाँ से 0000। इस सवाल में ना दो आंसर हो सकते हैं, या तो आंसर आएगा या कांट बी डिटरमाइंड होगा। तो कब कांट बी डिटरमाइंड होगा, कब आंसर आएगा, ये देखो जब तुम 460 × 3 करोगे तो ये तुम्हें देगा 13080 R1, ठीक है, सॉरी ये देगा तुम्हें 1380 R1, ठीक है। जब तुम 345 × 4 करोगे तो ये भी तुम्हें देगा 1380 R2, और ये बराबर में तुम्हारा क्या है 2070। जब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद सेम देंगे तब जाके तुम इसका आंसर दे सकते हो, एल्स तुम इसका आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ें अलग हो जाएंगी तो तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तुम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन जब ये दोनों एक होगा तब जाके ये सॉल्व होगा, और ये चीज़ का जजिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के डेट में सवाल में जो है ऐसे कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से तुम जब 1380 कॉमन लेके इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 2070 बाई में क्या 1380, और इसी चीज़ को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ये तुम्हें क्या देगा 1.5%, और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है वो है 1.5% ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों ही क्या दे रहे हैं, सेम यूनिट दे रहे हैं, तब जाके डिफरेंस निकलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में देखो क्या बोला है। डी आर स्टडी पॉइंट लेंड 1 लाख टू राजेश एट 6% पर एनम, 1 लाख रुपये राजेश को देता है 6% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 10 ईयर 10 साल के लिए। हाउ एवर डी आर स्टडी पॉइंट ऑफर्ड अ डिस्काउंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हैंडीकैप पीपल, ठीक है, हैंडीकैप पीपल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिस्काउंट ऑफर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। दस द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर राजेश डिक्रीज टू 4%, 4% पे आके रुक जाता है, यानी 6% से क्या हो जाता है 4% पे आ जाता है। सो राजेश हैड टू पे ₹1.48 लाख टू द बैंक, राजेश को जो पे करना पड़ा वो कितना पे करना पड़ा 1.48 लाख पे करना पड़ा बैंक को। तो तुम यहाँ से ध्यान दो, अगर तुम इस तरीके से लिख रहे हो 1 लाख, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हो 1.48 लाख, ठीक है। अगर तुम लाख लाख को काट दो, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ से तुम इसको बोलो 0, यहाँ से तुम बोलो 148 रुपीज़ यूनिट, जो कुछ भी बोल दो, यानी इंटरेस्ट जो तुम कमाया उसमें तुमने कितना कमाया इंटरेस्ट 48 कमाया। हम लोग यही प्रिंसिपल 100 अमाउंट 148 इंटरेस्ट 48 पे काम करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, 100 रुपये तुमने इन्वेस्ट किया 6% पे कुछ 30 सालों के लिए और बटे में क्या 100, और 30 सालों के बाद तुम्हारा क्या हो गया कि तुमने उसी 100 रुपये पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया 4%, क्योंकि हैंडीकैप लोगों को तुमने डिस्काउंट दिया है, और ये जो तुम्हारा 4% चला होगा ये कुछ 10 - 3 ईयर्स के लिए चला होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा 10 साल का ही टोटल कंडीशन है, बटे में 100 बराबर में क्या कर दो 48 कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट के रूप में तुम्हें कितना मिला 48, 100 काट दो, यहाँ सब देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, 60 में 4t चला जाएगा क्या बचेगा 2t बराबर में 48, इधर प्लस में 40 है उधर जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 40 बराबर में क्या 8, यानी 2 से कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, टाइम क्या निकल गया हमारा 4 ईयर, यानी कि 4 साल के बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या आई थी, गिरावट आई थी। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4 ईयर। यही पूछ रहा है सवाल में, राजेश को डिस्काउंट कितने सालों के बाद मिला था, तो यही 30 साल के बाद ना डिस्काउंट मिलेगा, टी का मान 4 निकल गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का। नेक्स्ट सवाल में देखो क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 1 साल के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयर यानी टाइम क्या लेंगे 2 यूनिट लेंगे, इज ₹144 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट, 144 अधिक है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से, ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी वही मनी पे एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड के लिए ही, यानी कि 1 साल के लिए ही SIP पे
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्या 12% पर एनम, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो ध्यान दो कि जब तुम सीआई पे बात कर रहे हो हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6% हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से सक्सेसिव निकाल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 6 + 6 + 6 × 6/100, यानी कि 12.36% हो जाएगा। ठीक है, 12.36% तुम्हारा दो, मतलब वो दो यूनिट टाइम के लिए तुम्हारा निकल गया, टू हाफ ईयरली के लिए तुम्हारा निकल गया। एसआई पे तुम देखो, एसआई पे तुम्हारा 12% 1 साल के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा टू पूरा पूरी 12%। तुम्हें जो दिए हुए है वो सीआई माइनस एसआई दिए हुए है, कितना 144। सीआई माइनस एसआई जब तुम करोगे तो सीआई माइनस एसआई परसेंटेज में क्या होगा, 12.36 में 12 घटा दो क्या देगा 0.36%, यानी कि 0.36% का ही वैल्यू तुम्हें दिए हुए है, कितना दिए हुए है 144, यानी कि 0.36% का मान तुम्हें दिए हुए है 144। तुम्हें 100% का मान निकालना है, 100% क्या हो जाएगा 144/0.36 × 100। तुम जब इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ एक और 100 आ जाएगा, 36 से काटो 4 बार में कटेगा, यानी कि तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा 400000, और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है वो है 40,000 रुपीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी। कितनी आसानी से ये सवाल बन गया, इसे ना फॉर्मूला से भी बना के देख लो, बहुत सारे कैलकुलेशंस जाएंगे, तो चीज़ों को समझो कि जब जैसा आए उस हिसाब से हमें ढलना है। जब जैसा सवाल है, कभी सवाल आए ट्री के अकॉर्डिंग बनाना है, ट्री के अकॉर्डिंग बना लिया। कभी सवाल आया सक्सेसिव के अकॉर्डिंग बनाना है, सक्सेसिव के अकॉर्डिंग बना लिया। कभी सवाल आया डायरेक्ट फार्मूला से बनाना है, तो डायरेक्ट फार्मूला से। ये जजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि किस मेथड से हम लोग सवाल को बनाएं कि सवाल हमारा आसान हो जाए। ठीक है, तो सवाल का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये जजमेंट खुद ब खुद आ जाएंगे। चलो देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है हम लोगों का। देखो नेक्स्ट में बोल रहा है, अमित डिपोजिटेड 60,000, यानी कि प्रिंसिपल क्या है हमारा 60,000 है, इन ICICI बैंक, गॉट रुपीज 68,694 और अमाउंट के रूप में उसे कितना मिला 68,694 मिला आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। व्हेन बैंक इज ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, जब बैंक ऑफर कर रहा है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। तो देखो तुम्हें मालूम है कि 2 साल की कहानी है, प्रिंसिपल और अमाउंट मालूम है, तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है 1 + R/100 और टाइम यहाँ पे बैठा दो, प्रिंसिपल भी मालूम अमाउंट भी मालूम, बैठा दो आर का मान निकल जाएगा, या तो ऐसे निकालो, नहीं तो मेरे साथ देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 6 से काट दो, ये तुम्हें देगा 10,000, और 6 से जब तुम इसे काटोगे तो ये तुम्हें देगा 11,449, ठीक है, यहाँ से ये हमारा निकल गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि 10,000 और 11,449 है, तुम्हें 2 साल के लिए निकालना है, तो 2 साल के लिए रहे तो स्क्वायर रूट, 3 साल के लिए रहे तो क्यूब रूट, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा रूट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी 11,449। जब तुम इस 100 को बाहर निकालोगे यहाँ से तो ये तुम्हें देगा 10,000 को निकालोगे तो 100 देगा, और यहाँ से जब तुम इसे निकालोगे 7 देगा। या तो तुम सिंपल बोलो यहाँ से कितना आर परसेंट गुना हो के आया है, ठीक है, सिंपल बोलो यहाँ से आर परसेंट गुना हो के आया है, या फिर तुम्हें दिख रहा है 100 से किसी भी चीज़ की इंक्रीज हो रही है +7 बोलो या फिर 7% बोलो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा निकल गया 7%। जब डिजिट्स अलग अलग रहेंगे तो तुम्हें वहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से तुम देखो कि जब 7% निकल गया तो तुम्हें क्या बोल रहा है, इन अ पॉलिसी मूव बैंक डिसाइडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड टू द डिपोजिटर बाय 2% वैल्यू, 2% वैल्यू से रेट को बढ़ा देना चाहता है, यानी कि न्यू रेट जो है हमारा वो न्यू रेट क्या हो जाएगा, 7% वैल्यू था हमारा, 2% वैल्यू से बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया 9% वैल्यू हो गया। ठीक है, 9% वैल्यू जब हो गया तो बोल रहा है हाउ मच मनी अमित वुड हैव गॉट इफ ही हैड इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन दिस चेंज सिनेरियो। ठीक है, चेंज सिनेरियो में जब इन्वेस्ट करता, चेंज सिनेरियो का मतलब क्या, चेंज क्या आया, 9% रेट में चेंज आया, टाइम तो वही है, तो इस चेंज सिनेरियो में जब इन्वेस्ट करता तो उसे क्या अमाउंट मिलता। तो तुम्हें मालूम क्या है, प्रिंसिपल तुम्हें दिए हुए है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारा 9%, टाइम है तुम्हारा 2 ईयर। अब तुम जैसे अमाउंट निकाल लो वैसे तुम्हें आसान बनेगा। देखो मैं सबसे अच्छा बताता हूँ यहाँ पे, इसे क्या करो ना, आसानी से डायरेक्ट फार्मूला से ही चलो। देखो 60,000 है हमारा, यहाँ से 1 + में क्या है 9/100 टू द पावर में क्या 2, यानी कि ये तुम्हें क्या देगा 60,000 × 109 का स्क्वायर और बटे में 100 × 100, यहाँ से 4 0 4 0 तो आसानी से खत्म हो गया। अब 109 × 109 करना है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बता दूँ 109 × 109 करना बड़ा आसान है, ठीक है,
चाहे तुम 100+ में करो, उस सब चीज़ों से आसान है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे प्लस साइन आगे मैं एक सीरीज डालूंगा मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड, उसको देखना, तब तुम्हें चीज़ें और अच्छे से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये 9 और 9 है, हम लोग इसको दो तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग सम लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, इन दो डिजिट्स को गुना करके, यानी कि एक बेस नंबर हम लोगों ने 100 मान लिया था, 109 से उसकी डेविएशन प्लस 9 थी, दोनों जगह प्लस 9 कर दिया, 9 × 9 कितना हो गया 81, और फिर 9 को इसी क्रॉस में या तो इधर से जोड़ो या तो इधर से, बोलो दोनों चीज़ तो एक ही है, ये तब बदल जाता है जब 107 और 109 को गुना करना होता है तब। ठीक है, तो 109 में जब तुम 9 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 118, और इसी के साथ हमारा जो 109 × 109 देगा 11881 देगा। तो देखो हम यहाँ कितना आसान हो गया, 6 गुना में क्या करना है 11881 कर देना है। अब इसे तुम कर दो चाहे जिस तरीके से भी करो, आंसर तुम्हारा बहुत आसानी से आ जाएगा। अब 6 को ही इसे गुना करना है, गुना करने के बाद ये हमें देगा 71286। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया इसी तरीके से, ऑप्शन नंबर डी 71286 रुपीज़ हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ए सर्टेन सम ऑफ 1680 इज लेंट फॉर अ ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे लेंट किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ से कि इसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया हम लोगों ने आर होगा, यानी कि 1680 लेंट किया गया आर परसेंट पे एक साल के लिए। आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद अनदर सम ऑफ रुपीज़ कितना 420, एक दूसरा सम 420 रुपीज़ का लेंट किया गया सर्टेन सिंपल रेट पे, विच इज ट्वाइस द फॉर्मर रेट, पहले रेट का क्या है ट्वाइस है, यानी क्या है 2R है। द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कितना 98, एक साल के अंत पे क्या है 98 रुपये का इंटरेस्ट। अब तुम ध्यान दो कि 1680 जो लेंट किया गया था तो एक साल के लिए आर परसेंट के कंडीशन पे ही लेंट किया गया था, जो नया वाला अमाउंट है उस पर बोला है 2R लगाने के लिए, तो उस पर 2R लगा दो। 8 महीने के बाद यानी कि कितना महीने तक ये पैसा को लगाया, 4 महीने, साल में चेंज कर दिया 4/12 में क्या 100 काट दो यहाँ से, 4 से 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये कितने बार में 14 बार में, ये 0 के साथ ये 0 खत्म हो गया, यहाँ से भी इस 0 के साथ 0 खत्म कर दो। यहाँ से देखो क्या है 168R/10 में क्या है 10 प्लस में 14 × 2 क्या होगा 28R/10 में क्या है 10 बराबर में क्या 98, यानी कि जब तुम ऐड करोगे 196R/10 में 10 बराबर में क्या है 98 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से आ जाएगा ये 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा 5% निकल जाएगा। और यही हमसे पूछ रखा था सवाल में, व्हाट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ऑप्शन नंबर क्या बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट में देखो क्या है, क्या बोल रहा है, आशीष लेंट 15,000 टू अ पुअर लेबरर नेम्ड शंकर, आशीष ने 15,000 रुपये एक पुअर लेबरर शंकर को दिए फॉर 2.5 ईयर्स। ठीक है, 2.5 ईयर के, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे लिखते, अभी रेट नहीं मालूम है। ठीक है, आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद शंकर अगेन केम एंड बोरो 10,000, फिर उसने कितना बोरो किया 10,000 बोरो किया फ्रॉम आशीष फॉर 1 ईयर, कितने सालों के लिए 1 सालों के लिए। बट दिस टाइम आशीष लेंट द अमाउंट एट ट्वाइस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आशीष ने इस बार क्या किया 2 गुने रेट पे दिया, यानी कि यहाँ पे अगर आर दिया तो यहाँ पे क्या देगा 2R देगा। ठीक है, ही चार्ज बिफोर आफ्टर, इफ आफ्टर 2.5 ईयर शंकर पेड 30,175। अब तुम ध्यान देखो कि शंकर ने टोटल उधार कितना लिया, शंकर ने उधार लिया 15,000 और 10,000 जो कि कितना है हमारा 25,000 है, लेकिन उसने पे कितना किया 30,175, यानी कि जो इंटरेस्ट के रूप में उसने पे किया है वो क्या है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5,175 रुपीज़ उसने क्या किया इंटरेस्ट के रूप में पे किया। इस तरीके से यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड क्या आता है इस सवाल में, कुछ लोगों को लगता है कि 1,500 रुपये पे पहले 1.5 साल का निकालना है, फिर आगे के 1 साल के लिए 1,500 + 10,000 रुपये निकालना, नहीं, कंडीशन क्या है हिंदी शुद्ध हिंदी में मैं तुम्हें बताता हूँ कि मान लो कोई उधार देने वाला है, वो तुम्हें 1,500 15,000 रुपये उधार दिया 2.5 साल के लिए, बोला तुम पे 8% लगेगा, तुमने उसके 1.5 साल के बाद फिर गया और बोला कि भैया मुझे 10,000 रुपये और चाहिए, तो वो क्या करेगा गुस्सा में, एक तो अभी पहले 15,000 दिया नहीं और पैसा मांग रहा है, अब तुमसे हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा किस पे, वो 10,000 रुपये, क्योंकि 15,000 रुपये वो पहले ही बॉन्ड करवा चुका है कि हम तुमसे 8% ही चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझना कि इसमें कभी गड़बड़ाना नहीं। ठीक है, ये हमेशा जो होगा इस तरीके से टुकड़े में बंटता है जैसे जैसे बोलते चला जाता है, और इन दोनों का ही इंटरेस्ट तुम्हें दिए हुए 5.1 या 7.5।
अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 0 2 0 यहाँ से ख़त्म, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 ख़त्म, पॉइंट से ये 0 भी हटा दो। 15 × 25 करोगे तो ये तुम्हें देगा 375 R, और प्लस में यहाँ पे ये तुम्हें देगा 200 R, और इसी के वैल्यू दी हुई है 5175। ठीक है, यानी कि यहाँ से 575 R बराबर में 51 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे ध्यान देखो, 575 को जब तुम 10 से गुना करोगे तो तुम्हें देगा 5750। ठीक है, क्या देगा, 5750, और इसी में तुम 575 घटा दोगे तो 10 में 5 गया हमारा 5, 14 में 7 गया यानी कि 7, 56 में 5 जाएगा क्या बचेगा, 5, यानी कि तुमने एक यूनिट घटा दिया, 10 में एक घटा दिया, मल्टीपल ऑफ 10 था, ये मल्टीपल ऑफ 1 था, घटा दिया तुमने, क्या दिया, मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि 575 से कितना बार में कटेगा, 9 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया, 9%। हमसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट आशीष चार्ज इनिशियली, इनिशियली जो चार्ज किया था उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9% है, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो क्या है, 9%। देखो ये स्टेटमेंट एक यहाँ पे ऐड किया है, एज्यूम सिंपल इंटरेस्ट, ये नहीं भी ऐड करता ना कभी कभी सवाल में, ये नहीं भी ऐड करे ना तो बकाने का नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कंपाउंडेड की चर्चा नहीं की है, जब कंपाउंडेड की चर्चा ही नहीं है तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये चीज़ को समझना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, गीता बोरो 20,000 फ्रॉम SBI बैंक विच इज ऑफरिंग द लोन एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो कंपाउंडेड आ गया, यानी कि गीता ने जो बोरो किया वो बोरो किया 20,000 10% पर एनम पे। गीता हैज पेड 10,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के अंत में गीता ने 10,000 रुपये पे कर दिए। तो देखो जब भी इस टाइप का सवाल आता है ना, इसका कंसेप्ट समझो क्या है, कि तुम्हारा CI पे तुम जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल बढ़ता चला जाता है ड्यू टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वजह से वो इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जब तुम एक एक साल करके दे रहे हो तो तुम्हें एक एक साल का पहले अमाउंट मालूम करना होगा, उसके बाद घटा करना होगा। यहाँ पे क्या बोला है कंडीशन में, कि एक साल के बाद, पहला लाइन हम लोगों को क्या बोला कि एक साल के बाद उसने 10,000 रुपया दिया, तो सबसे पहले एक साल के बाद देखो इंटरेस्ट लग के तुम्हारा अमाउंट कितना हो गया होगा, तो 10% जब तुम इस पे लगाओगे एक साल के लिए तो तुम्हें देगा 2,000, ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो गया, 22,000, और इसमें क्या करो तुम 10,000 घटा दो, तुमने एक साल के बाद दिया था, यानी कि आगे जो तुम्हारा चलेगा वो क्या चलेगा, 12,000 चलेगा। 12,000 अब दूसरे साल के अंत में दिया है कि नहीं, देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट गीता हैव टू गिव एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में उसे कितना देना होगा टू क्लोज हर डेब्ट, दूसरे साल के अंत में उसने नहीं दिया, यानी कि आगे जो तुम 10% लेके जाओगे वो कितने साल के लिए लेके जाओगे, 2 साल के लिए। तुम्हें पता है 10% का 2 साल का जो सक्सेसिव अमाउंट होता है वो होता है 21%। ठीक है, तुम्हें 21% CI होता है, 121 करोगे अमाउंट, तुम्हें क्या बोल रहा है कि खाता बंद कर उसका डेब्ट बंद करने के लिए तो वो कितना परसेंट देगी, यानी कि वहाँ पे क्या होगा 121%। अब यहाँ से निकाल दो 12,000 का क्या 121 बटे में क्या 100, ठीक है 00 यहाँ से काट दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो अभी बताया था कि कोई भी नंबर अगर 121 से मल्टीप्लाई 0 को मैं छोड़ दे रहा हूँ तो इसे ऐसे लिखना है 12 × 11 गुने में 11। ठीक है, ये देखो करना बिल्कुल तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मैंने क्या बोला कि जब जैसा नंबर या सवाल रहे उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना होगा। तो यहाँ पे तुम देखो 0 का तो 0 उतार दो, 12 × 1 करोगे क्या होगा 12, ठीक है, यानी कि हाथ में कैरी तुम्हारा क्या बच गया 1, 12 × 2 करोगे क्या होगा 24, हाथ में कैरी 1 था यानी क्या हो गया 25, हाथ में अभी भी कैरी 2 है, 12 × लास्ट वाला 1 करोगे क्या होगा 12, और 2 कैरी है यानी क्या 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया 14520, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14520। ठीक है, तो जब जैसा सवाल रहे उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है, पूरे मैथ में अगर कमांड पाना है तो कैलकुलेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिसे तुम कमांड पा सकते हो, एल्स देर इज नो ऑप्शन। ठीक है, होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ये सीरीज तो इस सीरीज को लाइक करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने फेसबुक वॉल, व्हाट्सएप ग्रुप, जितनी भी जगह है सब जगह शेयर करो इसे, और देखने के बाद अगर चीज़ें अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी आने को हैं। ठीक है, प्रिपेयर करो SBI के लिए, SBI PO निकालना है इस बार। ठीक है, चलो थैंक यू।